दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अपने लिए एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं। यानी घर बैठे बैठे एक एक स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे एक एक स्टेप पूरा बताऊंगा कैसे घर बैठे बैठे आप इंडियन पोस्ट बैंक में अपने लिए एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हो। अब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो सबसे ज्यादा सेफेस्ट बैंक है, यानी सरकारी बैंकों से भी ज्यादा सेफ है, क्योंकि 100% सरकारी, यानी पूरी की पूरी शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। यानी जो भी आप पैसा जमा करोगे इस बैंक में वो 100% सेफ ही रहेगा। पूरा प्रोसेस मैं आपको एक बार स्क्रीन पे भी दिखा देता हूं। ये सारा का सारा प्रोसेस अप्लाई करने का ये वीडियो के अंत में मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो बहुत जरूरी चीजें आपको समझने की है, पहले हम एक बार उसको समझते हैं। देखो, है एक ही चीज पोस्ट ऑफिस, लेकिन दो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। एक है IPPB यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, और दूसरा है POSB या फिर POSA, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट। अब इसके फर्क को आप बहुत ध्यान से समझो, कोई नहीं आपको बताने वाला। हर कोई कहेगा आओ जी आओ, जीरो बैलेंस खोलेंगे, पोस्ट ऑफिस के अंदर खोलेंगे, सबको व्यूज चाहिए, सबको व्यूज चाहिए, लेकिन कोई भी डिटेल में नहीं बताता। अब मैं आपको यहां पे दोनों के बीच के फर्क को समझाऊंगा, और उसके बाद आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से समझना कि आपके लिए कौन सा बेटर है, ठीक है। इस वीडियो में ऑनलाइन ओपनिंग का प्रोसेस तो मैं आपको बता ही दूंगा, बाकी फिर आपकी चॉइस है, आप पूरा अच्छे से समझो, उसके बाद आप अपना डिसीजन लेना, ठीक है जी। अब पोस्ट ऑफिस में जब हम जाते हैं, पोस्ट ऑफिस क्या चीज है पहले तो इसको समझो। देखो, जैसे एक SBI है, SBI की अलग अलग गली गली में ब्रांचें खुली हुई हैं, उसमें हम जाते हैं, अपना अकाउंट खोलते हैं, पैसा जमा करते हैं, FD RD कुछ भी कराना है वो हम कराते हैं, ठीक है। ऐसे ही डाकघर खुले हुए हैं, यानी जिसे हम पोस्ट ऑफिस खोलते हैं, उसी के अंदर ही बैंकिंग फैसिलिटीज हैं, हम जाते हैं डाकघर में अपना अकाउंट खोलते हैं, FD कराते हैं, अलग अलग सर्विसेज हैं वो डाकघर की जाके लेते हैं। फिर सरकार लेके आई ये पेमेंट बैंक्स, ठीक है, पेमेंट बैंक में भी सरकार ने, सरकार सारे नहीं लाई, मतलब कहने का मतलब सरकार लेके आई इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। अब इसके नाम में ही छुपा है पेमेंट बैंक। अब ये जो ऑनलाइन अकाउंट खोलते हैं ना, जो शोर मचा हुआ है यूट्यूब पे कि जीरो बैलेंस, आप पोस्ट ऑफिस में ही जीरो बैलेंस अकाउंट खोल लो, पोस्ट ऑफिस नहीं है, ये है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। और पेमेंट बैंक एक नॉर्मल बैंक से अलग होता है, पेमेंट बैंक की बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। पेमेंट बैंक में आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे 2 लाख रुपए से ज्यादा बैलेंस नहीं रख सकते। अभी आप ध्यान से समझो, पूरा एकदम क्लियर कर दूंगा। अभी हाल फिलहाल भारत में टोटल 6 पेमेंट बैंक है। हाँ, ये हो गए एयरटेल पेमेंट बैंक, IPPB यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, NSDL पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक और पेटीएम पेमेंट बैंक। ये कुल मिला के अभी हाल फिलहाल भारत में 6 पेमेंट बैंक है। अब पेमेंट बैंक में आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे 2 लाख रुपए से ज्यादा बैलेंस जमा नहीं कर सकते, ठीक है जी। अब यहां पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की अगर हम बात करें, तो इसमें आप एक तरह से इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की ऐप डाउनलोड करके अपने लिए जीरो बैलेंस अकाउंट तो खुलवा लोगे, लेकिन इस ऐप डाउनलोड करने के बाद आप इसके साथ वीडियो KYC का ऑप्शन ये आपको देता ही नहीं है, वीडियो KYC का ऑप्शन नहीं देता, और आपको 1 साल के अंदर अंदर अपनी KYC करवानी ही पड़ेगी। KYC कराने के लिए आपको डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस जाना ही पड़ेगा। जब पोस्ट ऑफिस जाना ही है तो भाई क्यों जीरो बैलेंस के चक्रों में पड़ रहे हो? जब आपको पोस्ट ऑफिस जाना ही है तो वहां जाके आप POSB अकाउंट खोलो ना, पोस्ट ऑफिस का नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट। इसके अंदर मानता हूं जीरो बैलेंस नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि 5,000 या 10,000 में मेंटेन करने हैं, सिर्फ 500 रुपए ही तो मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है। तो आप इस चीज को ध्यान से समझो, अगर मैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट खोल लेता हूं तो मुझे 1 साल के अंदर अंदर KYC करवानी पड़ेगी, वीडियो KYC की फैसिलिटी है नहीं। जब तक मैं KYC नहीं करवाऊंगा, मैं अपने अकाउंट का बैलेंस 1 लाख रुपए से ज्यादा एक्सीड कर ही नहीं सकता, और KYC मान लो हो भी गई तब भी मैं अपने अकाउंट का बैलेंस 2 लाख रुपए से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। अच्छा जी, इसके अलावा ये बोलते हैं कि ना, मैं आपको खाली पेज में समझाता हूं, इसके अलावा ये बोलते हैं कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है ना, इसे हम लिंक कर सकते हैं POSA से, यानी पोस्ट ऑफिस का जो नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट है ना, जो पोस्ट ऑफिस में जाके ही खुलता है, उसके साथ ना हम लिंक कर सकते हैं। भाई मैं लिंक क्यों करूं? मान लो मेरे को कल को 5 लाख रुपए जमा करने हैं, तो मैं सिर्फ यही अकाउंट खुलवा लूंगा और इसमें 5 लाख जमा कर दूंगा, भाई मैं लिंक क्यों करूं? मान लो मैं ये खोल लेता हूं, फिर मेरे को ये भी खोलना पड़ेगा, अगर मैं, क्योंकि अगर मान लो मेरे को 5 लाख रुपए जमा करने हैं तो ये तो हजमा ले ही नहीं सकता 2 लाख से ऊपर का, तो फिर ये कहेगा कि आप इसको खोलो और फिर इसके साथ हम इसको लिंक कर देंगे। मैं क्यों पागल हूं क्या? मैं दो दो अकाउंट खोलूंगा, मैं सीधा जाकर के POSA खोल लूंगा, यानी पोस्ट ऑफिस का नॉर्मल सेविंग अकाउंट खोल लूंगा। बस उसके लिए मेरे को थोड़े से कदम चलने पड़ेंगे और पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट ऑनलाइन नहीं खुलता है।
बस आईपीपीबी जो है ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ये ऑनलाइन खुल जाता है बस, और कोई फर्क नहीं है, आप ध्यान से समझो। अच्छा, इसके अलावा और फीचर्स बताता हूँ। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, 18 साल से ज्यादा ही होनी चाहिए। यानी अगर देखो कोई भी बैंक ले लो, अगर आप ऑनलाइन अकाउंट खोलते हो ना, तो आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। घर बैठे बैठे अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हो तो आप माइनर नहीं हो सकते, माइनर अगर हो तो उस बैंक में ही आपको जाना पड़ेगा। तो इसीलिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अगर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट घर बैठे बैठे खोलना है तो आपकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, ये जरूरी है। अच्छा जी, अगर मान लो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट खोलना है तो इसके लिए तो हमें पोस्ट ऑफिस जाना ही पड़ेगा। तो चाहे आप सिंगल हो, चाहे जॉइंट खोलो, चाहे माइनर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो जब आप ऑनलाइन अकाउंट खोलते हो ना तो उसमें भी आप जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकते, इंडिविजुअली अकाउंट खोलता है। लेकिन यहां पे जो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट है ये आप जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हो, जिसके साथ भी जॉइंट अकाउंट खोलना है उस बंदे को साथ ले जाओ और ब्रांच में जाके, पोस्ट ऑफिस में जाके आपका जॉइंट अकाउंट खुल जाएगा। इसके अलावा इनिशियल फंडिंग की बात करें तो इसमें जीरो है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में आपको एक रुपए की भी इनिशियल फंडिंग नहीं करनी, और ये जो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट है इसमें आपको इनिशियल फंडिंग करनी है 500 रुपए की, ठीक है जी। मंथली एवरेज बैलेंस इसमें जीरो है, ये जीरो बैलेंस अकाउंट है, लेकिन इसमें आपको 500 रुपए मेंटेन करने पड़ेंगे, ठीक है जी। उसके बाद मैक्सिमम अकाउंट बैलेंस, यानी बैंक अकाउंट में कितना ज्यादा से ज्यादा आप पैसा रख सकते हो, जब तक केवाईसी नहीं होगी तो 1,00,000 रुपए, केवाईसी होने के बाद भी 2,00,000 रुपए ही रख सकते हो, ठीक है जी। एफडी उफडी अगर करवानी है तो ये नॉर्मल पोस्ट ऑफिस जो रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है उसके साथ लिंक करेगा, फिर वो एफडी जो है वो इसके अंदर जाएगी, क्योंकि जो पेमेंट बैंक है वो एफडी भी नहीं खोल सकते, यानी कोई भी पेमेंट बैंक एफडी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर एफडी खोलनी है तो वो अपने पार्टनर बैंक के साथ खोलता है, और इसका पार्टनर बैंक कौन है, पोस्ट ऑफिस का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि आगे जाके दिक्कत आएगी तो क्यों इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के चक्रों में पड़े हो, सीधा जाके पोस्ट ऑफिस का नॉर्मल वाला सेविंग्स अकाउंट खुलवा लो, 500 रुपए तो मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है, ठीक है जी। और इसकी अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम अमाउंट, इसमें कोई अपर लिमिट नहीं है, भले 100 करोड़ रखो या 500 करोड़ रखो। अच्छा जी, अगर मान लो मंथली एवरेज बैलेंस हम मेंटेन नहीं करते तो कितने चार्जेस लगेंगे, तो इसमें तो कुछ भी चार्जेस नहीं लगेगा, क्योंकि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है ही, क्या नाम है अपना, जीरो बैलेंस है। इसमें अगर मैं 500 रुपए भी मेंटेन नहीं करता तो इसमें भी ये लगा लो कि पूरे साल भर में, यानी एक साल की पेनल्टी लगेगी 100 रुपए, सिर्फ 100 रुपए लगेगी। आप सोचो पूरे साल की, प्राइवेट बैंक तो इतने में तो खत्म कर देते हैं पूरा पैसा, 10,000 रुपए भी पड़े हैं ना तो उसको भी पूरा चूस देंगे अगर मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं है। तो यही फायदा है कि सरकारी चीजों को बचा के रखने का, ठीक है जी। सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट रेट की बात देखो, अब आप यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट पहले 2.75% देता था, उसको भी घटा के 2% कर दिया। अब नॉर्मल भी अगर आप किसी भी बैंक को उठाओगे तो 3 से 3.5% का सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट तो आमतौर पर मिल ही जाता है, लेकिन इसमें भी देखो सिर्फ 2% का इंटरेस्ट रेट देगा आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। वहीं यहां पे 4% का मिलेगा, लेकिन मिलेगा साल में एक बार, यानी पूरे साल भर का ब्याज पे ब्याज मिला के कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ आपको 4% के हिसाब से साल भर का इकट्ठा एक ही बार 31 मार्च को देगा ये, ठीक है जी। मोबाइल बैंकिंग ऐप की बात करें तो इसकी मोबाइल बैंकिंग ऐप है आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप, इसी को ही आपको इंस्टॉल करना है सबसे पहले, उसके बाद ही आपका जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में खुलेगा। अभी ये पूरा प्रोसेस मैं आपको समझा भी देता हूं, अगर मान लो किसी को ओपन करना है तो एटलीस्ट प्रोसेस तो पता होना चाहिए। अच्छा, और इसकी जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है उसका नाम है इंडिया पोस्ट मोबाइल बैंकिंग, तो दोनों की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन भी अलग अलग है। तो यही मेरा मकसद था बताने का कि प्लीज दोनों को ये मत सोचो कि दोनों एक ही है, भाई दोनों एक नहीं है, ये अलग है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक और पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट अलग है। मानता हूं दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है जी। उसके बाद एटीएम कार्ड की बात करें तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में जो आप जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोलोगे इसमें कोई भी आपको फिजिकल एटीएम कार्ड नहीं मिलेगा, घर पे कोई एटीएम नहीं आने वाला, सिर्फ वर्चुअल मिल जाएगा जिसकी फोटो होगी, पीछे सीवीवी नंबर होगा, वर्चुअल मिलेगा, फिजिकल नहीं मिलेगा। इसके अंदर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड भी मिल जाता है, क्योंकि आप पोस्ट ऑफिस जाके अकाउंट खोलोगे तो प्रॉपर फिजिकल डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा। अच्छा जी, अब यहां पे अकाउंट ओपनिंग के लिए वही चीज बता रखी है, ये सारा का सारा, ठीक है जी। तो ये सारा का सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, यहां पे भी वही लिखा हुआ है कि केवाईसी 1 साल के अंदर कंप्लीट करनी है, लोल सब कुछ ये लिखा हुआ है। अभी मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में कैसे आपको अकाउंट खोलना है। अगर कोई खोलना चाहता है तो एटलीस्ट प्रोसेस तो पता होना चाहिए, और अगर नहीं भी खोलना तो भी एक कंपैरिजन है, देख लो कैसे खोलते हैं ताकि आपको और अच्छे से खुल जाए। बट फिर भी मैं यही कहूंगा कि अकाउंट खोलना है तो प्लीज पोस्ट ऑफिस जाओ, जाकर के 500 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा जिंदगी के 2 घंटे खर्च हो जाएंगे, बाहर जाना पड़ेगा, बस इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। बस यही है कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है ना,
इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इसमें धड़ल्ले से अकाउंट पता है क्यों खुल रहे हैं? क्योंकि ये घर बैठे बैठे अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी देता है, बस और कुछ नहीं। और एक इसने अपना एक टैग जोड़ दिया, जीरो बैलेंस, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है इस बैंक के अंदर। यार पेमेंट बैंक है क्या, 2 लाख रुपए से ज्यादा बैलेंस ही नहीं रख सकते, और KYC नहीं कराई तब 1 लाख से ज्यादा नहीं रख सकते। बाकी खैर छोड़ो, अब यहाँ पे एक बार हम देखते हैं पूरा का पूरा प्रोसेस, कैसे हम घर बैठे बैठे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अपने लिए जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अपने लिए जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवाने के लिए सबसे पहले आपको इसकी मोबाइल बैंकिंग को इंस्टॉल करना होगा, जिसका नाम है IPPB मोबाइल बैंकिंग। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसको ओपन करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले ये पूछ रहे कि क्या आप इंडिया के बाहर भी किसी दूसरे देश में टैक्स पेयर हो, तो यहाँ पे आपको नो के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर ये आपसे आपकी कुछ बेसिक डिटेल पूछेगा, जैसे सबसे पहले मोबाइल नंबर एंटर करना है, नीचे आपको अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है, फिर नीचे आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपके मोबाइल फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए OTP भेजा जाएगा, वो OTP एंटर करना है, सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पेज पर आपको अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है, आधार नंबर एंटर करने के बाद नीचे आधार नंबर को दोबारा री एंटर करना है, उसके बाद आगे इसकी आपको नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा। फिर यहां पर जो भी मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड के साथ लिंक है उस मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए OTP भेजा जाएगा, वो OTP एंटर करने के बाद यहां पे आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट पेज पर ये आपको टोटल एक तरह से 5 चीजें दिखाएगा, ये 5ों ही डिटेल्स आपको भरनी है। जैसे सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो इस पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन पर मुझे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यह आपसे आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछेगा, जैसे आपका मदर नेम क्या है, हस्बैंड नेम क्या है, जो भी मतलब आपकी घर की जो भी बेसिक डिटेल्स है, मेल आईडी क्या है, फादर नेम क्या है, और आपका KYC के हिसाब से यानी आधार कार्ड पैन कार्ड पे क्या नाम लिखा हुआ है, ये सब डालने के बाद नीचे सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, सामने टिक का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। फिर ऐसे ही सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है, पैन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है, यहाँ पे फिर नीचे सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नॉमिनी डिटेल्स एंटर करनी है थर्ड में। नॉमिनी का सिंपली मतलब ये है कि जिसे भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हो, नॉमिनी का मतलब ये होता है कि अगर अकाउंट होल्डर को कल को कुछ भी हो जाए तो बैंक सीधा सीधा पैसा नॉमिनी को आसानी के साथ दे देता है, नॉमिनी को परेशानी नहीं होती। तो नॉमिनी आप किसी भी बना सकते हो, किसी को भी बना सकते हो, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, हस्बैंड वाइफ, किसी को भी बना सकते हो। नॉमिनी का बस कंप्लीट नाम डालना है, यहाँ पे आपको नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी का एड्रेस, ये सारी बेसिक डिटेल्स एंटर करनी है, नॉमिनी आपका ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है कि आपकी नेशनलिटी क्या है, इंडियन है या इंडियन सेलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस क्या है, ऑक्यूपेशन यानी आप क्या काम करते हो, सालाना कितना पैसा कमाते हो, ये सारी डिटेल एंटर करने के बाद नीचे आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये दिखाएगा DBT मैपिंग। DBT मतलब आपको कोई ना कोई सरकार की तरफ से कुछ बेनिफिट्स तो नहीं मिल रहे, यानी एक तरह से DBT का मतलब यही होता है कि सरकार से कोई बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वो किस अकाउंट में मिल रहे हैं, क्या आप उस अकाउंट को चेंज करके ये वाला अकाउंट सेलेक्ट करना चाहते हो, तो इसमें सिंपली आप थर्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो, नो आई डोंट वॉन्ट टू चेंज माई DBT मैपिंग, ठीक है जी। तो उसके बाद ये सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर दोबारा आपके मोबाइल फोन पर एक OTP भेजा जाएगा, वो OTP आपको यहां पर एंटर करना है। OTP एंटर के बाद दोबारा नीचे सबमिट के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, नेक्स्ट पेज पर आपका अकाउंट यहां पर ओपन हो जाएगा, अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा, आपको आपका अकाउंट नंबर मिल जाएगा, इस अकाउंट नंबर को आप सेव कर सकते हो। वीडियो KYC का कोई ऑप्शन इसके अंदर है ही नहीं, तो वीडियो KYC करने के लिए आपको ब्रांच जाना पड़ेगा। अब ब्रांच जाना ही है तो इससे बढ़िया आप ब्रांच जाके वो 500 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस वाला पोस्ट ऑफिस का नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट खोल लो, वो ज्यादा बेटर है। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, एंड थैंक यू ऑल।